हेलो स्टूडेंट्स, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में हमारी जो यूनिट चल रही है अभी, वो है डिजीज़ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब कि बच्चों में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, उनमें मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो हम पढ़ रहे हैं, कोमा। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ न्यूअर मॉडलिटीज़ जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने में इस्तेमाल की जा रही हैं, उनके बारे में पढ़ा था। और कोमा के बारे में भी हमने देखा था कि कोमा को डिफ़ाइन किस तरह से किया जा सकता है, और अनकॉन्शियसनेस का जो लेवल है या अल्टर्ड कॉन्शियसनेस का जो लेवल है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। आज के वीडियो में हम कोमा के कॉजेज और डायग्नोस्टिक इवेल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉजेज ऑफ कोमा। सबसे पहले कारणों में जो कि कोमा के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, उनमें सबसे पहले आता है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस के थ्रू कोमा की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो देखिए कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं जो कि क्रॉनिक लेवल पर होने पर कोमा क्रिएट कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिनजीज। आपकी ब्रेन की जो कवरिंग मेम्ब्रेन्स हैं उनमें किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन अगर होता है तो उसको हम मेनिनजाइटिस कहते हैं, और यह इन्फेक्शन आगे चलकर कोमा की कंडीशन क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट जो इन्फेक्शन है इसमें वो है एंसेफलाइटिस। एंसेफलाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन टिश्यूज़। ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं उनमें यदि इन्फ्लामेशन होता है तो ये कंडीशन भी कोमा के लिए उत्तरदायी हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें इन्फेक्शन सेरिब्रल मलेरिया। मलेरिया का जो उत्तरदायी कारक है प्लाज्मोडियम, वो यदि हिमेटोजिनस रूट के द्वारा सेरिब्रम में जाकर उसको इन्फेक्ट करेगा तो ये कंडीशन भी कोमा के लिए उत्तरदायी हो सकती है। एपिड्यूरल एम्पाइमा। एपिड्यूरल जो स्पेस है आपके ब्रेन की जो कवरिंग्स हैं, ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर, इन दोनों के बीच में यदि पस फॉर्मेशन हो या पस का कलेक्शन हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एपिड्यूरल एम्पाइमा। ये भी कोमा के लिए उत्तरदायी हो सकती है। और नेक्स्ट है इसमें सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का मतलब है आपके ब्लड में किसी तरह का इन्फेक्शन हो और उसके लिए जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो वो बैक्टीरिया हो, तो हम इस कंडीशन को सेप्टिसीमिया कहते हैं। और यही कंडीशन क्योंकि ब्लड के थ्रू ये जो कंटेंट्स हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये हिमेटोजिनस रूट से ब्रेन तक पहुंच सकते हैं और ब्रेन के टिश्यूज़ को इन्फ्लेम कर सकते हैं और इन्फेक्ट कर सकते हैं। इस कंडीशन में कोमा इन इन्फेक्शंस के थ्रू क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट जो कॉजेज हैं कोमा के वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में सबसे पहले आता है हाइपोग्लाइसीमिया, जिसको आप जानते हैं आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल की कमी होना। हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल का रेज हो जाना। नेक्स्ट है इसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटीज़ के बारे में आप लोग जानते हैं, इंसुलिन फॉर्मेशन में कमी आने की वजह से ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन इसके साथ साथ एक एसोसिएटेड कंडीशन है कीटोएसिडोसिस। ये डायबिटीज़ की सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जिसमें कि आपकी बॉडी में कीटोन लेवल बहुत हाई हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। नेक्स्ट इसमें एसिड बेस इम्बैलेंस, यानी कि आपके ब्लड में एसिड और बेस का जो कंपोजिशंस हैं वो एलिवेट हो जाते हैं और अल्टर होने की वजह से इम्बैलेंस की कंडीशन में आ सकते हैं। ये कंडीशन भी कोमा के लिए उत्तरदायी हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें डिस इलेक्ट्रोलाइटेमिया, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाना। इलेक्ट्रोलाइट्स में मेनली बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और सोडियम जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनमें इम्बैलेंस की कंडीशन की वजह से कोमा क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें यूरेमिया, यानी कि आपके ब्लड में एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाए यूरिया का, ये कंडीशन भी कोमा के लिए उत्तरदायी हो सकती है। इसमें लास्ट है हिपेटिक फेल्योर, मतलब कि लीवर की फिजियोलॉजी का बिल्कुल ड्रॉप हो जाना, लीवर का फेल्योर जिसे कि हम हिपेटिक फेल्योर कहते हैं, ये कंडीशन कोमा के लिए उत्तरदायी कारकों में देखी जाती है। यह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट जो कॉजेज हैं कोमा के उनमें आता है ड्रग्स एंड पॉइजन्स, यानी कि ड्रग्स के थ्रू टॉक्सिसिटी क्रिएट हो या पॉइजनस सब्सटेंस अगर इंजेस्ट कर लिए जाएं
उसकी वजह से टॉक्सिसिटी क्रिएट होने की वजह से कोमा की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इसमें देखिए ओपिएट्स, ओपिएट्स मेनली वो ड्रग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर या क्रोनिक पेन को रिलीव आउट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें कि आपने नाम सुना होगा मॉर्फिन है, हेरोइंस हैं। इनका काम यह होता है कि ये सेडेटिव की तरह काम करते हैं और जो सीवियर पेन है उससे पेशेंट को जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको रिलीव करवाने का काम करते हैं, लेकिन ये टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर सकते हैं और कोमा का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें बारबिट्यूरेट्स, मेनली CNS डिप्रेसेंट होते हैं, ये नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं और क्रोनिक पेन के लिए भी काम में लिए जाते हैं। मेनली इनमें बेंजोडाइजेपिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह भी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। सेडेटिव्स, आप जैसा जानते हैं सेडेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है और सेडेटिव भी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं और एबनॉर्मलिटीज के थ्रू कोमा की कंडीशन को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्नेक बाइट्स, क्योंकि स्नेक वीनम एक पॉइजनस सब्सटेंस है, इसकी वजह से भी टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है। एंड द लास्ट वन इज लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से पॉइजनिंग हो सकती है और टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है, और यह सभी मिलकर कोमा के लिए उत्तरदायी कारक हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है मिसलेनियस कॉजेज ऑफ कोमा, मिसलेनियस का मतलब है और भी अन्य प्रकार के जो कारक हैं जो कि कोमा के लिए उत्तरदायी हैं, उनमें देखिए हेड इंजरी, हेड इंजरी की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज की कंडीशन आ सकती है, ट्रॉमा हो सकता है और कोमा की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इंट्राक्रेनियल हेमरेज, आपकी क्रेनियल कैविटी में हेमरेज की कंडीशन भी कोमा क्रिएट करवा सकती है। डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स ऑफ CNS, आप जानते हैं आपके नर्व फाइबर्स हैं, आपके न्यूरॉन्स हैं, उन पर माइलिन शीथ पाई जाती है जिसका काम न्यूरॉन्स के ट्रांसमिशन को लेकर होता है। यदि किसी कारणवश न्यूरॉन्स पर से माइलिन शीथ जो है वो डैमेज हो जाए या डिसअपियर हो जाए तो उसकी वजह से नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और ये भी कोमा का कारण बन सकते हैं। एक मैं आपको डिसऑर्डर बाद में बताऊंगा जिसमें गिलिन बार सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें डीमाइलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें ब्रेन ट्यूमर्स, मैलिग्नेंसी की कंडीशन की वजह से भी कोमा क्रिएट हो सकता है। हाइड्रोसिफेलस मेनली बच्चों में पाया जाने वाला डिसऑर्डर है, इसमें एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन क्रेनियल इंट्राक्रेनियल स्पेस, यानी कि आपकी जो इंट्राक्रेनियल स्पेस है उसमें CSF का जो एक्यूमुलेशन है वो एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाए, उसे हम हाइड्रोसिफोलस की कंडीशन कहते हैं और ये भी कोमा क्रिएट कर सकती है। हाइपोक्सिया यानी कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। हाइपरपाइरेक्सिया, एक्सेसिव रेजिंग टेम्परेचर एंड शॉक, शॉक की कंडीशन में भी ऑक्सीजन डेप्रिवेशन हो जाता है और कोमा की कंडीशन आ सकती है। ये जितने भी कारण मैंने बताए उनको मैंने नोट आउट किया हुआ है नीचे कि मेनिनजाइटिस क्या होता है, एंसेफलाइटिस, एपिड्यूरल एम्पाइमा, सेप्टिसीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डिस इलेक्ट्रोलाइटेमिया, यूरेमिया, ओपिएट्स, बारबिट्यूरेट्स और हाइड्रोसिफेलस, इन सभी के बारे में मैंने आपको नीचे बताया हुआ है। आप इनसे रेफर करेंगे और एग्जैक्ट जो कॉज है कोमा के वो इनके द्वारा हम जान सकते हैं। कॉजेस के बाद हम आते हैं कि किस तरह से हम डायग्नोस करें अल्टर्ड कॉन्शियसनेस को या कोमा की कंडीशन को। तो उसमें सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इलनेस शुड इंक्लूड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, मेनली आपको बच्चे की हिस्ट्री लेनी होगी कि किस तरह की इलनेस से वो सफ़र कर रहा है, एक्यूट है या क्रॉनिक कंडीशन है, जिसमें आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। रिलेटेड टू द इवेंट कि किस तरह से ऑनसेट हुआ है, टाइप ऑफ ऑनसेट क्या टाइप रहा है, कौन कौन से फीचर्स और कौन कौन से साइंस दिखाई दिए हैं, एसोसिएटेड सिम्टम्स और इसके साथ साथ कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक, कन्वल्जंस, ये सभी एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जो हमारे लिए एक कॉमन फाइंडिंग्स हो सकते हैं जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कोमा की कंडीशन के पीछे का जो कॉज है वो क्या है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंजेशन ऑफ टॉक्सिन्स और पॉइजनस सब्सटेंसेस, यदि बच्चे ने किसी वजह से टॉक्सिन इंजेस्ट कर लिया है या पॉइजनस सब्सटेंस उसके अंदर चले गए हैं तो उसको हमें डिटेक्ट करना होगा और उसकी हिस्ट्री लेनी होगी, क्योंकि कॉजेज में हमने एक कारण ये भी पढ़ा था, ड्रग्स एंड पॉइजन्स।
नेक्स्ट है इसमें एनी बाइट्स, स्नेक बाइट की मैंने बात की थी आपसे, स्नेक वीनम भी कॉज कर सकता है कोमा को। इसमें हम इंसेक्ट स्टिंग्स के बारे में भी देख सकते हैं, जो जहरीले जो कीड़े होते हैं जिनके डंक की वजह से भी टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें ट्रॉमा, ट्रॉमा की भी हिस्ट्री लेनी है हमें कि किसी तरह की चोट तो बच्चे को नहीं लगी थी। एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, किस प्रकार का इन्फेक्शन उसके अंदर है बच्चे में, क्या कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स आ रहे हैं इन्फेक्शन के, वो हमें डायग्नोस करने होंगे। क्रॉनिक इलनेस, क्या बच्चा किसी गंभीर बीमारी से और क्रॉनिक पीरियड से किसी इलनेस से सफ़र कर रहा है। एंड द लास्ट वन इज ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर की कंडीशन को भी हमें डायग्नोस करना होगा, क्योंकि ये सभी जो कारण हैं ये कोमा के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, तो इन्हें डायग्नोस करना हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। नेक्स्ट है इसमें फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट शुड इंक्लूड, हमें बच्चे का पूरा फिजिकल और उसका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना होगा। फिजिकल कंडीशन भी असेस करनी है और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी असेस करनी है। इसमें सबसे पहले हम शामिल करते हैं हेड टू फुट एग्जामिनेशन, जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है। इसमें बच्चे को हेड टू फुट असेस किया जाएगा, किसी तरह की ट्रॉमा, स्किन का डिस्कलरेशन, ये सब चीज़ें हम हेड टू फुट एग्जामिनेशन में या किसी तरह की डिफॉर्मिटी हम उसमें असेस कर सकते हैं। वाइटल साइंस चेक करने होंगे जो भी हमारे लिए हेल्पफुल होंगे ताकि हम डायग्नोस कर सकें। प्यूपिलरी साइंस, जो प्यूपिल्स हैं, प्यूपिलरी साइंस जो होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि प्यूपिलरी साइंस में क्या क्या आता है। देखिए इसमें प्यूपिलरी साइंस है एबनॉर्मलिटीज, प्यूपिल्स में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी सच एज, जैसे कि इररेगुलर प्यूपिल साइज, जो आइज में की जो प्यूपिल्स हैं उनका साइज जो है वो अनियमित हो जाए। शेप, किसी तरह से प्यूपिल्स का जो शेप है उसमें डिफॉर्मिटी है। या नॉन रिएक्टिव प्यूपिल, प्यूपिल्स में किसी तरह का रिएक्शन नहीं है, वो एक्टिवली रेस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, तो नॉन रिएक्टिव प्यूपिल, ये प्यूपिलरी साइंस हैं जो कि हम डिटेक्ट कर डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है फीचर्स ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रीनियल प्रेशर, किसी भी तरह से यदि इंट्राक्रीनियल प्रेशर बढ़ा है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स पर हमें जाना होगा। कौन कौन से साइंस हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि ये बताएं कि इंट्राक्रीनियल प्रेशर इंक्रीज है, उसमें हम देख सकते हैं साइंस ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रीनियल प्रेशर। द मोस्ट कॉमन साइन इज हेडेक, ब्लर्ड विजन यानी कि बच्चे को धुंधला दिखाई देता है, कन्फ्यूजिव कंडीशन में रहता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और वॉमिटिंग। ये जो सिम्टम्स हैं ये इंट्राक्रीनियल प्रेशर के इंक्रीज होने के बाद दिखाई देते हैं, तो हम इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम कोमा के डायग्नोसिस कंडीशन में जा सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें है न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स, बच्चों के जो रिफ्लेक्सेज हैं, न्यूरोलॉजिकल जो रिफ्लेक्सेज हैं इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मेनली हम स्टिमुलस अपीयर करते हैं, स्टिमुलस की वजह से जो बच्चा जो रेस्पॉन्स देता है उन्हें हम रिफ्लेक्सेज के तौर पर जानते हैं, तो उन सभी को हमें असेस करना होगा, ये न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की कंडीशन में आएगा। और कौन कौन से डायग्नोसिस है, देखिए एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे यदि किसी तरह से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार है कोमा के लिए, जो कि हिमेटोजिनस रूट के द्वारा ब्रेन को इन्फ्लेम कर रहा है या ब्रेन टिश्यूज को इन्फ्लेम कर रहा है या सेरिब्रम पर अटैक कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम ब्लड एग्जामिनेशन करके उस ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करवा सकते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन हमें करना होगा। नेक्स्ट इसमें CSF एग्जामिनेशन हम करें। स्टमक एस्पिरेट्स, स्टमक एस्पिरेट्स के जो कंटेंट हमारे सामने आए हैं उनको हम एसेस करके पता लगा सकते हैं कि किसी तरह की पॉइजनिंग बच्चे में है या नहीं। ये सभी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्लूज हैं जो हमें हेल्पफुल होंगे कोमा की कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए। लास्ट में इसमें है न्यूरो इमेजिंग लाइक एक्सरे स्कल, न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स, न्यूअर मॉडलिटीज भी मैंने आपको बताई थी, तो न्यूरो इमेजिंग में मेनली हमें इमेज लेनी है जिससे कि हम डिटेक्ट कर पाएँ कोमा की कंडीशन के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। तो सबसे पहले स्कल का एक्सरे करेंगे, CT स्कैन हम लोग करवा सकते हैं, MRI के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है, PET स्कैन, SPECT स्कैन, EEG, EMG यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ECG कैन हेल्प द कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। और ये जो सभी स्कैनिंग जो टेक्निक्स हैं, जो इमेजिंग टेक्निक्स हैं, इनके बारे में मैं आपसे डिस्कस लास्ट वीडियो में कर चुका हूँ, उसे आप एक बार दोबारा देखेंगे। और इन सभी इमेजिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस पर जा सकते हैं कि कोमा के लिए जो रीजनेबल जो कंटेंट हैं वो क्या है, कौन कौन से जो कॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो मेनली क्या हैं, उसके आधार पर हमें फिर ट्रीटमेंट शुरू करना होगा।
तो आज हमने देखा कॉजेज ऑफ कोमा क्या क्या है, और उसके बाद हमने देखा कि डायग्नोसिस कौन कौन से हो सकते हैं जिससे कि हम कोमा की कंडीशन को एसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोमा के मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।